गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडेज क्लासेस, आज क्या पढ़ना है हमें देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन अ डेसिमल सेंसस वाज एज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1995। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसके बाद बोला है कि आपको क्या बताना है, 1995 में कितनी पॉपुलेशन थी वो आप बताओ। ठीक है, तो देखो क्या है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी हाँ इससे पहले वाले जो टॉपिक था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड आप कैसे सॉल्व करते हो, और न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आप कैसे एस्टिमेट करते हो, पॉलिनोमियल आप कैसे बनाते हो, और पॉलिनोमियल या इस टाइप के क्वेश्चन भी देखा था जिसमें मिसिंग टर्म्स टेक्निक यूज हुआ था। ठीक है, तो आज हम यूज करेंगे यहाँ पे कैसे हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यूज करते हैं और पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे 1996 में जो पॉपुलेशन थी वो 46,000 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1000, 46,000 अलग कर दिया, हम सिर्फ इस नंबर को ही काउंट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, 46,000। और यहाँ पे 1971 में क्या दिया हुआ, 66, और 1981 में दिया हुआ है 81, एंड 1991 में दिया हुआ है 93, और 2001 में दिया हुआ है 101,000। ठीक है, तो ये आपका कंसेक्यूटिव आपको दिया हुआ है, सारी चीजें 10-10 साल के बाद की जनगणना दिया हुआ है, और आपको बोला है कि हाँ इतने टाइम इतना पॉपुलेशन था। तो आपसे पूछा है कि आप पॉपुलेशन बताओ इन 1995, तो 1995 कहाँ आएगा, देखो ध्यान से इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पे 1995 जो है फ्रंट से ज्यादा क्लोज है या बैक से, ठीक है, तो 2001 के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, अगर ये 1995 ना पूछ के अगर क्वेश्चन में पूछा होता 1965 में कितना रहा होता, तो हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ना यूज करके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज करते और उसके बेस पे फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पे क्योंकि 1995 पूछा हुआ है, क्योंकि जो कि 2001 या 2001 के करीब है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से हम यूज करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, जो कि हमने इधर बनाया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, 1961 46, ठीक है, 1971 में 66, और 1981 में 81, 1991 में 93, और 2001 में 101 दिया हुआ, और ये सब जो है ये सब थाउजेंड में है। तो थाउजेंड में है, यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया, लास्ट में हम थाउजेंड लिख देंगे जैसे हमारा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पूछा है यहाँ 1995 वाली वैल्यू, यहाँ 1995, तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू जब 1995 होगी तो इस वाई की वैल्यू कितनी रही होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 वैल्यू है, दैट मींस क्या है, 4 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो 4 डिफरेंस तक जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे डेल वाई कितना हो जाएगा, 66 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 20, 81 माइनस 66 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, 93 माइनस 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, 101 माइनस 93 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8। तो क्या करना है आपको, 66 माइनस 46, 81 माइनस 66, 93 माइनस 81, और 1001 माइनस 83, तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। फर्स्ट डिफरेंस में ये वाली जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस वाई नॉट, फर्स्ट डिफरेंस वाई वन, फर्स्ट डिफरेंस वाई टू, फर्स्ट डिफरेंस वाई थ्री, क्लियर है। आगे तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है डेल yn, इसके लिए फर्स्ट डिफरेंस yn। सिमिलर मैनर में इधर आते हैं हम, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो 15 माइनस 20 माइनस 5 ये आ जाएगा, 12 माइनस 15 माइनस 3 आ जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस 4 आ जाएगा। सिमिलर मैनर में तो हमारा जो, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम ऐसे जाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू यूज करते हैं। अगर यही फॉरवर्ड डिफरेंस होता, अगर इसी वाले क्वेश्चन में अगर 1965 अगर पूछा होता इस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, अगर क्वेश्चन ने पूछता, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, अगर पूछता तो हम ये सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते,
तो फिर हम ये वाली वैल्यू लेते, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेते, क्योंकि हमें 1995 में पूछा हुआ है। तो हम 101 यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे और फाइनली 3 यूज करेंगे। ये सारी वैल्यू हम यूज करेंगे आगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में। तो ये जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला में यूज होगा, और ये जो है फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, अब फॉरवर्ड डिफरेंस इंटर इंटरपोलेशन फॉर्मूला में यूज होगा। ये वाली जो वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू पे आते हैं, इस वैल्यू पे फोकस करते हैं और यहाँ पे देखते हैं आगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इससे पहले जो आप पढ़ते थे यहाँ पे, ठीक है, पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री ऐसे कर, अब वहां पे इससे पहले क्या पढ़ते थे, पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री ऐसे करते जाते थे। देखो यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू वाई वाई एन प्लस पी इंटू फर्स्ट डिफरेंस वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन डेल स्क्वायर अपन वन डेल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू वाई एन, और ये कितना हो जाएगा, पी इंटू पी माइनस पी प्लस वन पी प्लस टू अपन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल थ्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई एन। सिमिलर माइनर में पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री और डेल और फोर हो जाएगा वाई एन अपन फैक्टोरियल फोर। अब हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखते हैं, अब हमें पी की वैल्यू चाहिए। पी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, पी वैल्यू निकलेगी जो आपको चाहिए। ये कितना था हमारा 1995, वाइक्सन कितना था हमारा 2001, हमें दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया -0.6। तो जो पी की वैल्यू आ रही है -0.6, ये क्या है आपका स्पेसिंग है, और एक्सन वैल्यू क्या है, लास्ट वाली वैल्यू है यहाँ पे, और यस जो जिसपे निकालना था। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये सारी चीजें हमें पता है, बस 1995 में आपको वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाई एन की जो वैल्यू है हमने बोला वाई एन वाली जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 101, ठीक है, फिर एक डिफरेंस के बाद वाई एन वाली वैल्यू 8, दो डिफरेंस के बाद वाई एन वाली वैल्यू -4, तीन डिफरेंस के बाद वाई एन वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, चार डिफरेंस के बाद वाई एन वाली वैल्यू -3, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने रखा 101 -0.6, ठीक है, 0.6 इंटू 8, ध्यान से देखो यहाँ पे 101, उसके बाद क्या लिखा है हमने 8, उसके बाद क्या लिया है हमने 4, उसके बाद क्या लिया है हमने 1, उधर जगह नहीं था यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसी तरह क्या है यहाँ पे -3। तो यहाँ पे क्या है 0.6 इंटू 8, फिर अपन यहाँ पे कुछ अपन लिखना होगा, लिख दो -0.6, ठीक है, इंटू जीरो पॉइंट -0.6 प्लस वन अपन फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे डबल डिफरेंस यहाँ पे, सॉरी ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे था, सेकंड डिफरेंस यहाँ पे, थर्ड डिफरेंस वहाँ पे, ठीक है, फोर्थ डिफरेंस यहाँ पे। तो सेकंड डिफरेंस में क्या है -4 आया था, तो उसी तरह क्या है -0.6 -0.6 प्लस वन -0.6 प्लस टू इंटू -1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री। सिमिलर मैनर में आगे आते हैं, नेक्स्ट टर्म जो आएगा -0.6 इंटू -0.6 प्लस वन इंटू -0.6 प्लस टू इंटू -0.6 प्लस थ्री इंटू लास्ट वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, हमने लिख दिया -3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फोर। इसको पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो वैल्यू आई है हमारी कितनी 96.84, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट 97,000 होगा, ठीक है। तो फाइनली इस टाइप से क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज करना है, और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज करना है। बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में हम नीचे की ओर से हम सारी वैल्यू यूज करते हैं, और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में हम ऊपर की सारी वैल्यू ऐसे यूज करते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में पी प्लस वन वाली सीरीज होती है, और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन वाले फार्मूले में पी माइनस वन वाली सीरीज होती है, बाकी सिमिलर सारी चीजें होती हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।